नरसिंहपुर में 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, कई किलोमीटर का पैदल सफर कर कराते हैं मतदान। जहां नेता नहीं पहुंचते वोट मांगने, वहां भी होता है मतदान। खच्चर पर ले जाई जाती है मतदान सामग्री। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में माननीय को सदन की दहलीज तक पहुंचाने वाले यहां के उन शासकीय कर्मियों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जो लोकतंत्र के महायज्ञ को सफल बनाने के लिए 12 किलोमीटर की खड़ी और दुर्गम चढ़ाई चढ़कर मतदान कराते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे मतदान केंद्र की, जहां तक पहुंचने के लिए मतदान दल को केंद्र तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। नरसिंहपुर जिले का बड़ा गांव मतदान केंद्र सबसे दुर्गम और जटिल मार्ग वाला केंद्र है। गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहन पानी ग्राम पंचायत के बड़ा गांव केंद्र तक पहुंचने के लिए ना कोई अच्छा रास्ता है और ना ही कोई साधन है। ऊंचे पर्वत पर बसे इस गांव तक जाने के लिए मिट्टी और चट्टानों वाला केवल प्राकृतिक मार्ग है, जिस पर हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। कुछ जगहों पर मार्ग ऐसा है कि जरा सी चूक होने पर जीवन का संकट पैदा हो जाता है। 12 किलोमीटर तक कई जगह पर एकदम खड़ी चढ़ाई कर सफर तय करने में शरीर जवाब दे जाता है, और सूर्योदय के समय यहाँ की राह दिखाने वाला सूरज गांव तक पहुंचते ही सिर पर तमतमाने लगता है। पर्वत के राही के धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाले एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर गहरी खाई वाले इस सफर को तय करने में आधा दिन बीत जाता है। लेकिन इन्हीं हालातों में मतदान अपने सामान के साथ इस गांव में डेरा डालकर चुनाव कराता है। यहाँ पहुंचने के लिए मतदान दल मोहपानी गांव में अपने वाहन छोड़ देते हैं, उसके बाद बड़ा गांव सफर तय करते हैं। मतदान दलों को यहाँ एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ता है। खच्चरों से ढोते हैं सामान। इस मतदान केंद्र में 7 गांव के लोग मतदान करने आते हैं, जिसमें तलैया, भातौर, पटकना, कुकड़ी पानी, टोला आदि शामिल हैं। यहाँ करीब 1200 मतदाता हैं। मतदान सामग्री पहुँचाने के लिए प्रशासन को खच्चरों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिनके सहारे ईवीएम सहित मतदान दल की भोजन सामग्री आदि मतदान केंद्र तक भेजी जाती है। प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस केंद्र पर केवल शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ कर्मी को ही ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कोई समस्या पैदा न हो। दल के साथ डॉक्टर्स की टीम और एवं आवश्यक दवाओं के साथ ही वहां भेजी जाती है। भीलमड़ाना मतदान केंद्र जिले का सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है। भौगोलिक परिस्थिति की वजह से यहां तक पहुंचने के लिए मतदान दल को 180 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहां सतपुड़ा वन क्षेत्र के अंतर्गत घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव है। इस केंद्र में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 99.77% मतदान दर्ज किया गया था। यहां करीब 450 मतदाता हैं। पटको ही पंचायत के ढोया पानी बूथ पर पहुंचने के लिए नदी के किनारे करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। विधानसभा तेंदुखेड़ा के खुड़ई पंचायत के भौमरी केंद्र तक पहुँचने के लिए भी पथरीला मार्ग तय करना पड़ता है। देखिए, बड़ा गांव मतदान केंद्र जो है हमारा गाडरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है, और एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे मतदान केंद्र बनता है। लगभग छोटे छोटे 7 गांव के लोग वहाँ मतदान करते हैं, तो इसमें काफ़ी चढ़ाई रहती है और पैदल चलना पड़ता है, तो टफ होता है थोड़ा सा टीम के लिए। तो वहाँ पर हम जो अतिरिक्त साधन होते हैं उनके माध्यम से सामान उस पर रख देते हैं। कभी कभी JCB का भी उपयोग करते हैं, आजकल JCB चलने लगी है। बीच में जो खच्चर होते हैं स्थानीय लोग जिसका यूज करते हैं, उसके माध्यम से भी सामान ले जाते हैं। कुछ अपने आप भी सामान ले जाते हैं, कुछ लाइट वेटेड रहता है, कुछ उसमें हमारे जो स्टाफ रहता है वो हेल्प करता है। तो मतलब यही है कि वहाँ पर थोड़ा जाने में दुर्गम रहता है, और वहाँ पर व्यवस्थाएँ लेकिन पहले से पुख्ता हो जाती हैं। जो दल जाता है, दल के साथ सेक्टर अधिकारी भी साथ में जाते हैं। वहाँ हमारे स्थानीय व्यक्ति जो हैं BLO हैं, वहाँ के टीचर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी स्टाफ भी वहाँ साथ में जाता है। और उसमें जो खच्चर हैं वो
गांव वाले उसको सामान्यतः यूज करते हैं, वो अपना आम सामान दूसरा सामान लाने के लिए हाट बाज़ार जब आते हैं तो ऊपर वहाँ रखे रहते हैं और वहाँ सामान उन पर लाद के ले जाते हैं। तो उसी परंपरागत तौर से वहाँ भी चलन है कि दो खच्चर बुला के अपना सामान जो रहता है उसमें उस पर रख देते हैं और साथ में स्टाफ चला जाता है। कितना दिक्कत भरा सफ़र रहता है और कितनी परेशानियाँ आती हैं? नहीं देखिए, वो तो आम जनजीवन है, जो ऊपर लोग रहते हैं वो सामान्यतः नीचे आते हैं, नीचे सामान लेके ऊपर जाते हैं। और दुर्गम है, अभी वहाँ विद्युत कनेक्शन हो गए हैं, लाइट लग गई है, धीरे धीरे साधन पहुँच रहे हैं, पेयजल की समस्याएं भी जो पहले रहती थी वहाँ वो दूर हो गई हैं। तो इस प्रकार से मतलब विकास वहाँ हो रहा है, लेकिन चूंकि चढ़ाई ज़्यादा है।